आपको सुनाते हैं सेनाओं का इतिहास, भारतीय सेनाओं का बलिदान, सेना के पराक्रम और वीरता के किस्से, आधुनिक चुनौतियां और सेना की भूमिका, भविष्य की तैयारियां और योजनाएं, भारतीय सेना अदम्य साहस की मिसाल, कारगिल युद्ध, ऑपरेशन त्रिशूल, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन राहत जैसी कई कहानियां, शौर्य और बलिदान, वीर चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र विजेताओं की कहानियां। 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भारत ने अंग्रेजों के शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन इस आज़ादी की सुरक्षा के लिए हमें अपनी सीमाओं पर हर समय मुस्तैद रहना पड़ता है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना इस जिम्मेदारी को बड़ी ही बहादुरी और संपन्न के साथ निभाते हैं। देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करने वाली इन सेनाओं का योगदान अतुलनीय है। भारत की स्वतंत्रता के 77 वर्षों के बाद हमारे देश की सुरक्षा और संप्रभुता का प्रतीक हमारी सेना है। 15 अगस्त न केवल हमारे स्वतंत्रता संग्राम का स्मरण कराता है, बल्कि ये उन वीर जवानों को भी नमन करने का दिन है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने समय समय पर अपनी अद्वितीय क्षमता और बहादुरी का परिचय दिया है। सेनाओं का इतिहास। भारतीय सेना का इतिहास बहुत पुराना और गौरवमय है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों ने पहली बार संगठित रूप में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया था। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में भी भारतीय सैनिकों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने विभिन्न मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, जिसके बाद आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया और देश की सुरक्षा को निश्चित किया। भारतीय सेना। भारतीय थल सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। यह सेना देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं के समय भी नागरिकों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। कारगिल युद्ध, सियाचिन और हाल के समय में बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी घटनाओं ने भारतीय सेना के साहस और समर्थन को सिद्ध किया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भी भारतीय थल सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने हमेशा ही समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई है। 1971 के भारत पाक युद्ध में नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को करार जवाब दिया था और बंगाल की खाड़ी में विजय हासिल की। आज भारतीय नौसेना के पास अत्याधुनिक युद्ध पोत, पनडुब्बियां और विमान वाहक पोत है, जो समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आपदा प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना का गठन 1932 में हुआ था और तब से लेकर अब तक ये लगातार देश की हवाई सुरक्षा को मजबूत कर रही है। 1965 और 1971 के युद्धों में भारतीय वायुसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। हाल के समय में बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन मेघदूत जैसे अभियानों में वायुसेना की भूमिका ने देश को गर्वित किया है। आज भारतीय वायुसेना के पास सुखोई, राफेल, मिग और तेजस जैसे अत्याधुनिक विमान हैं, जो इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में से एक बनाते हैं। सेना के बलिदान। भारत की सेनाएं हमेशा ही देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रही हैं। चाहे वह 1947-48 का भारत पाक युद्ध हो, 1962 का चीन के साथ युद्ध, 1965 और 1971 के युद्ध या 1999 का कारगिल युद्ध, हर बार भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की है। आज भी सियाचिन जैसी दुर्गम जगहों पर तैनात हमारे सैनिक विपरीत परिस्थितियों में देश की सुरक्षा कर रहे हैं। इन सैनिकों के बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता। भारतीय सेना के वीरता और पराक्रम के अनगिनत किस्से हमारे इतिहास में दर्ज हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, नायब सूबेदार योगेंद्र यादव और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जैसे अनगिनत वीरों ने अपनी वीरता से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। इन सैनिकों की वीर गाथाएं न केवल भारतीय सेना के लिए बल्कि पूरी देश के लिए प्रेरणादायक है। आधुनिक चुनौतियों और सेना की भूमिका। आज के समय में भारतीय सेनाओं के सामने कई नई चुनौतियां हैं। आतंकवाद, साइबर युद्ध और सीमा पार से होने वाले हमलों का सामना करने के लिए भारतीय सेना को लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ रहा है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ होने वाले सीमा विवाद भी भारतीय सेना के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भविष्य की तैयारियां और योजनाएं। भारतीय सेना को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार आधुनिक तकनीकों से लैस किया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सहयोग से नई नई तकनीकों और हथियारों का विकास हो रहा है। डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी सेना को आधुनिक बनाया जा रहा है। साथ ही देश की सुरक्षा नीतियों में भी सेना की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। भारतीय सेनाएं देश की रक्षा की नींव है, उनके बिना देश की सुरक्षा और संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती। 15 अगस्त का दिन न केवल स्वतंत्रता और जश्न मनाने का दिन है, बल्कि ये उन सैनिकों को भी श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने हमारे लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित की है।
इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने सैनिकों के योगदान को हमेशा याद रखेंगे और उनके बलिदान का सम्मान करेंगे। भारतीय सेना अदम्य साहस की मिसाल। भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। सेना की प्राथमिक जिम्मेदारी देश की सीमाओं की रक्षा करना और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये केवल एक युद्ध शक्ति नहीं है, बल्कि इसके जवान आपदा प्रबंधन, शांति मिशन और संकट की घड़ी में नागरिक सहायता में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता का प्रतीक है। 1999 में जब दुश्मन ने कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा किया, तब भारतीय सेना ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन विजय ने भारतीय सेना की क्षमता और देशभक्ति को दुनिया के सामने उजागर किया। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनाती। सियाचिन ग्लेशियर पर दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों में तैनात भारतीय सैनिक देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। -50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी वे अपने कर्तव्यों को निभाने में कभी पीछे नहीं हटते। इन सैनिकों के अदम्य साहस और अनुशासन की दुनिया भर में सराहना होती है। भारतीय नौसेना समुद्र की सुरक्षा की पहरी। भारतीय नौसेना भारत के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा और संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए तैनात है। ये न केवल युद्धकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि शांति और आपदा प्रबंधन के समय भी इसका योगदान महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन त्रिशूल। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन त्रिशूल के तहत पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमला कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। ये भारतीय नौसेना की शक्ति और सामरिक कौशल का प्रतीक है, जिसने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूती प्रदान की। एंटी पायरेसी ऑपरेशन। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर समुद्री डकैती और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। इससे न केवल भारतीय जहाजों को सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता में भी योगदान किया। भारतीय वायुसेना आकाश की रक्षा के शूरवीर। भारतीय वायुसेना भारतीय सेना और नौसेना के साथ मिलकर देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायुसेना का काम युद्धकाल में दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करना, सामरिक सहायता प्रदान करना और आपदा के समय राहत कार्य करना है। ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनाती के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह ऑपरेशन भारत के सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसमें वायुसेना ने भारतीय सेना को जरूरी सामरिक समर्थन और रसद सामग्री उपलब्ध कराई। बालाकोट एयर स्ट्राइक। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला किया। ये कार्रवाई न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि देश की सुरक्षा के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। शांति मिशन और आपदा प्रबंधन में भारतीय सेनाओं की भूमिका। भारतीय सेनाओं ने केवल युद्ध के समय, बल्कि शांति और आपदा के समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भाग लेकर वैश्विक शांति और सुरक्षा में योगदान देती है। ऑपरेशन राहत। यमन में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन राहत चलाया। इस मिशन में भारतीय सेना की दक्षता और मानवता को प्रदर्शित किया। ये ऑपरेशन भारतीय सेना की वैश्विक मान्यता का प्रतीक बना। आपदा प्रबंधन में योगदान। देश में बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय भारतीय सेनाएं सबसे पहले मदद के लिए पहुंचती है। 2004 की सुनामी और 2013 की उत्तराखंड बाढ़ जैसी घटनाओं में भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य किए, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी। शौर्य और बलिदान। वीर चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र विजेताओं की कहानियां। भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र विजेताओं की कहानियां भारतीय सेना की वीरता और बलिदान की मिसाल है। इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले सैनिकों ने अपने अद्वितीय साहस और कर्तव्यता की परिचय दी है। कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, का बलिदान भारतीय सेना के इतिहास में अमर है। उनके शब्द ये दिल मांगे मोर आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजते हैं और उनकी वीरता को सलाम करते हैं। राइफलमैन संजय कुमार। राइफलमैन संजय कुमार ने कारगिल युद्ध में अद्वितीय साहस का परिचय दिया और दुश्मनों के ठिकाने पर कब्जा कर लिया। उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनका बलिदान आज भी देशवासियों को प्रेरणा देता है। भारतीय सेनाओं के साहस, बलिदान और देशभक्ति को शब्दों में पिरोना एक कठिन कार्य है। ये 15 अगस्त हमारे वीर जवानों को नमन करने का दिन है, जिन्होंने देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी आज़ादी केवल उन नेताओं के संघर्ष का परिणाम नहीं है जिन्होंने हमें अंग्रेजों से मुक्त करवाया, बल्कि उन वीर जवानों की शहादत का भी परिणाम है जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में देश की रक्षा की। आज का दिन हमें उनके अदृश्य साहस और समर्पण को सलाम करने का है। जय हिंद।